सभी छात्र छात्राओं को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। प्रत्येक दिन की तरह ई टीचिंग की क्लास में आप प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, और उसी क्रम में आज जो आपका हाई स्कूल में चैप्टर 3 चल रहा है, दो चरों वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। तो इसकी बहुत से प्रतिबंध आपने सीखे, रैखिक समीकरणों को हल करने की विधियां आपने सीखी, रैखिक समीकरण के हल करने के प्रतिबंध मैंने आपको बताए। उसी जो प्रतिबंध बताए थे, वो प्रतिबंध दिए गए क्वेश्चन में कैसे प्रयोग किए जाते हैं, आज उसी तरह के प्रश्न लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जैसे सामने मैंने बोर्ड पर एक प्रश्न लिख रखा है कि निम्नलिखित समीकरण निकायों का अद्वितीय हल है, तो प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें दिए हुए प्रश्न में देखिए, हमने दो क्वेश्चन लिख रखे हैं, दो समीकरण निकाय लिख रखे हैं, क्वेश्चन एक दे रखा है, दूसरा क्वेश्चन है। इन दोनों में k का मान कैसे ज्ञात करेंगे? यदि हमको प्रतिबंध में, सवाल में हमको पहले से पता है कि इस में अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है, क्या है, तो यहाँ पर प्रतिबंध हमारे पास क्या है, अद्वितीय हल है, ठीक है। तो कोई भी प्रतिबंध लगाने से पहले हम जो जनरल जो प्रक्रिया होती है सब में फॉलो करेंगे, क्या होती है, जैसे सबसे पहले तो आप समीकरण लिख के इसकी तुलना करेंगे, और फिर जो मान निकालने होते हैं प्रतिबंध लगाने के लिए, वो मान निकालेंगे। तो पहले तो जैसे मान लिया क्वेश्चन 1 हल कर रहे हैं, ठीक, क्वेश्चन 1 में देखिए के एक्स प्लस 2 वाई, और ये प्लस के 5 है, इनका पक्षांतर कर लो, इधर ले आओ, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी समीकरण में देखिए 3x प्लस y, और माइनस का 1 इधर ले आओ, तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, ये 2 हो गए। दी हुई समीकरणों से जब हम तुलना करते हैं, तो कौन कौन से समीकरण तुलना करते थे, a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0। प्रतिबंध में हमने जब आपको बताया था, यही समीकरण लिखी थी, ये मानक समीकरण को मान लेते हैं और इनसे हम तुलना कर लेंगे। तो जब तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर देखिए हमें क्या प्राप्त हो रहा है, पहली समीकरण की पहले से तुलना कर ली, x का गुणांक a1 है, यहाँ पर k है, तो a1 = आ गया k, ऐसे b1 = कितना आ गया 2, और c1 = कितना आया -5। समीकरण 2 में तुलना करेंगे दूसरे वाले से, तो a2 = हमारे पास आ जाएगा 3, b2 आ जाएगा हमारे पास 1, और c2 कितना आया -5। प्रतिबंध लगाने से पहले तीन प्रतिबंध लिखाए थे, तीनों में a1/a2 का मान निकाला था, b1/b2 का मान निकाला था, c1/c2 का मान निकाला था, तो वही मान हमको पहले यहाँ पर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखें a1/a2, तो k/3, b1/b2 का मान निकाल लिया, b1 का मान हमारे पास 2 है, b2 का 1, c1/c2 का मान निकाल लिया, कितना है -5/-1, ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन में कहा वही प्रतिबंध हमको लेकर चलना है। सब क्वेश्चन में पहले बता रखा है कि दिए हुए समीकरण निकाय का हल कैसा है, अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है चूंकि लिखेंगे, चूंकि समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, अद्वितीय हल में हमने क्या बताया था, हमको बताया था a1/a2 not equal to b1/b2, ठीक, ये तो बताया था अद्वितीय हल में। अब क्या करना है अद्वितीय हल में, इस a1 a2 का मान निकाल लिया आपने k1 k/3, और b1 b2 का कितना निकाला आपने
टू अपॉन वन। ठीक, अब क्या करना है, चलो इधर इसको हल कर दे रहे हैं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इनकी, तो के नॉट इक्वल टू छ, अर्थात इस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होने के लिए k का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात 6 के अतिरिक्त अन्य सभी मानों के लिए इस समीकरण निकाय का हल कैसा होगा, अद्वितीय होगा। तो इसी क्रम में ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दे रखा है आपको, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आसानी से, और यही प्रोसेस रहेगी, यही प्रक्रिया रहेगी, और इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। ये अद्वितीय हल की कंडीशन हो गई, मैंने आपको एक क्वेश्चन समझा दिया, ऐसे ही आप अन्य कई बहुत सारे क्वेश्चन आप इसको हल कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में क्या था, अद्वितीय हल वाली कंडीशन लगाई थी, ये क्वेश्चन आपका दूसरा कहा निम्नलिखित समीकरण निकायों का अपरिमित हल है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तो प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, प्रतिबंध हमारे वही तीन हैं, और तीन प्रतिबंधों का ही हमको यहाँ प्रयोग करना है। तो दो क्वेश्चन ले रखे हैं, एक मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, दूसरा आप होमवर्क में कर लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है 8x प्लस 5y बराबर 9, बराबर 9 है तो इसको इधर ले आओ तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये पहला समीकरण था आपका। ऐसे ही दूसरा समीकरण देख लीजिए, के एक्स प्लस 10y बराबर 18, इसको इधर ले आओ माइनस के 18 हो जाएंगे, ये समीकरण दो। इन्हीं मानक समीकरणों से हम पहले क्या कर लेंगे, इनकी तुलना कर लेंगे। तो तुलना करने पर देखिए a1 का मान 8 आ जाएगा, b1 का मान 5 है, c1 का मान माइनस का 9, ऐसे a2 का मान k, b2 का मान 10 और c2 का मान माइनस 18। पहली समीकरण से a1 b1 c1, दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 प्राप्त होता हो जाते हैं। अब हम प्रतिबंध लगाने के लिए पहले तो भी मान निकाल लेंगे, a1 अपॉन a2 का, b1 अपॉन b2 का, ऐसे c1 अपॉन c2 का मान निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 कितना है 8/k, ऐसे b1 अपॉन b2 कितना है 5/10, तो सॉल्व कर लेंगे, c1 अपॉन c2 कितना है माइनस का 9/-18, इनको कैंसिल कर दीजिए, प्लस के हो गए 9/18, ये हल भी हो जाएंगे, इनको बाद में हल करेंगे। तो कहा है क्वेश्चन में अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, क्योंकि समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अब क्या करना है, जब अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाली हमको कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन आपने देखी थी, कल भी आपने पढ़ी थी अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन, तो वही कंडीशन का हम क्या कर लेंगे यहाँ पर इसके प्रयोग कर लेंगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन क्या थी आपकी, a1 अपान a2 इजिकल टू b1 अपान b2 इजिकल टू c1 अपान c2, कंडीशन मिल गई आपको। अब इसको इधर हल कर लेंगे, a1 अपान a2 का मान 8/k है, b1 अपान b2 का 5/10, c1 अपान c2 का 9/18। ठीक, ये मान आपको प्राप्त हो गए। हमको k का मान चाहिए तो कोई प्रतिबंध ले लेंगे, जैसे मान लिया हमने इसको ले लिया तो 8/k और 5/10, 5 × 5 5×2 = 10 हो गए। ठीक है, 5×2 = 10 प्राप्त हो गए। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए 8×2 = 16, के की इधर गुणा हो जाएगी तो इधर हो जाएंगे आपके 16, के का मान हमको कितना प्राप्त आ गया, कितना मिल गया हमको 16 मिल गया। कभी कभी ऐसा नहीं, आप इधर से भी इस प्रतिबंध से भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लिया इस प्रतिबंध को लेकर चले हैं 8/k और 9/18, तो 9 × 1 = 9, 9×2 = 18, गुणा कर लेंगे बजगुणा, तो k = कितना आएगा 16,
दोनों स्थितियों में मान कितना मिल रहा है आपको, 16-16 मान मिल रहा है। तो ये क्या होगा, कोई भी समीकरण निकाल के रखा है, अगर उसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन लगाएंगे और के का या जो भी अज्ञात राशि पूछी जाती है हम उसका आसानी से मान निकाल सकते हैं। इस प्रतिबंध के हिसाब से वो ये दो प्रतिबंध हमने आपको लगभग बता दिए हैं। ये दूसरा क्वेश्चन हमने दे रखा होमवर्क में, इसको आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके देखें जिससे ये प्रतिबंध आपका सही से आपको रिवाइज हो जाए। और इस तरह के आप अन्य प्रश्न भी अपनी बुक से हल कर सकते हैं। इसी तरह से तीसरा प्रतिबंध भी हमको लगाना है, तो उस प्रतिबंध के हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन और बता दूं। जैसे दो प्रतिबंध आपने हल करें, तीसरे प्रतिबंध के लिए देखिए ये आपको एक क्वेश्चन और बता दूं। तीसरे क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, प्रतिबंध आपके अलग अलग इसमें प्रयोग हो रहे हैं। तो इस प्रश्न में कहा है निम्नलिखित समीकरण निकायों का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। तो प्रत्येक का, प्रत्येक जो समीकरण निकाय रखा उसमें के का मान ज्ञात कीजिए। अब प्रोसेस आपकी वैसी रहेगी, इनको हल करने का जो तरीका है वो आपका बिल्कुल वैसा ही रहेगा, इसको वैसे ही हल करना है जैसे अभी और क्वेश्चन हमने हल करे थे। तो इस प्रश्न को मैं कुछ शॉर्टकट में हल कर रहा हूँ, आप इसके पहले तुलना कर लेंगे, सब देख लेंगे उसके बाद में। चूँकि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, समीकरण निकाय का जब कोई हल नहीं है तो कोई हल नहीं वाला हम प्रतिबंध लगा देंगे। क्या होता है हमारा कोई हल नहीं प्रतिबंध वाला, a1/a2 = b1/b2 और इक्वल क्या होता है c1/c2, ये नॉट इक्वल होता है। जब कोई हल नहीं होता है प्रतिबंध में समीकरण निकाय के, तो इसमें ये कोई हल नहीं है, इस कंडीशन में आपका क्या होता है, नहीं ये c1/c2 वाला मान आपका इक्वल नहीं होता है। अब इसमें करना है क्या है, हमको सभी मान रख लीजिए पहले, तो a1/a2 तो डायरेक्ट मान रख लीजिए, देखिए a1 b1 c1, तो k/3 a1/a2 b1 b1/b2। पहले देखिए a1 a2 का मान कितना है, 12 है, 12 है, b1 का मान 3, b2 का मान है k, c1 का मान -3 है, इधर c2 का मान -6 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, इनको सॉल्व करने पर देखिए क्या हो जाएगा, k² पहले एक एक पर ले लेंगे आप, k/12, 3/k क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इनकी, तो k² 12 × 3 कितने हो जाएंगे, 36 इसका अंडर रूट। और जब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका जब वर्गमूल निकालेंगे हम, तो कितना आ जाएगा, ±6, अर्थात दो मान आ गए इसके। ऐसे हम दूसरी वाली कंडीशन लेके चलें, b1/b2 वाली, मतलब 3/k नॉट इक्वल -3/-6, ये कैंसिल कर दीजिए, 3 × 1 = 3 × 2 इधर k इक्वल कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। तो k के इधर देखिए, इसमें इस क्वेश्चन में आपके कहा है कि जो k का मान हम लोगों ने निकाला है, इस k के मान में देखिए एक यहाँ से दो मान मिल रहे हैं हमको, +6 - 6, और उधर हमको दो मान मिल रहे हैं, एक मान मिल रहा है k। तो इसमें कहा है कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, तो किस मान के लिए कोई हल नहीं है समीकरण निकाय का, इधर देखें प्रतिबंध 6 और इसका इधर रेखा 6, जब दो दो स्थितियां बन जाती हैं तो वहां पर थोड़ा सा हमको दो दो स्थितियों में देखिए k = 6, k = 6 अर्थात k का मान अगर समान आ जाएगा तो समान वाली स्थिति में क्या होगा, ये c1/c2 कैसा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अर्थात जब ये c1/c2 इस पूरे a1/a2 b1/b2 और c1/c2 के जब इक्वल हो जाएंगे
तो अपरिमित रूप से अनेक हल वाली कंडीशन बन जाएगी। इसका मतलब के मान जो अलग अलग हैं, तो इन दोनों में अलग मान से कौन होगा आपका, माइनस का 6। अतः के बराबर माइनस 6 के लिए समीकरण निकाय का, समीकरण निकाय का, निकाय का कोई हल नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, इस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। तो इसी तरह से आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला आपको जब भी टॉपिक जब इसमें यूट्यूब पे आप हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप उसको आसानी से देख सकते हैं, उससे सीख सकते हैं।